कहती सुनत आवे कहती सुनत आए कहती सुनत आए अखियों में पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम दशरथ अजीर बिहारे राम कहानी व्यासपीठ से आप लोग सुन रहे हैं प्रभावित हुई भाई से आप लोग सुन रहे हैं तो भाई बहुत सुंदर व्यास जी और आपके इस भजन पर प्रभावित हुए हमारे रिंकू शुक्ला जी जी उनकी तरफ से सब पुष्प मुद्राओं से सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद भाई आदरणीय शुक्ला जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद है बधाई के पात्र हैं आप और प्रभावित हुई भाई पूनम मिश्रा ग्राम बिजौली भांजी है 21 रुपए की धनराशि भेंट किया है बहुत बहुत धन्यवाद भगवान शंकर जी के चरणों में वंदना करता हूँ शुक्ला जी और आज की राम कथा यहीं से प्रारंभ कर रहा हूँ। हमारे आदरणीय सम्मान श्री इलाहाबाद बैंक कठवारा मैनेजर साहब इलाहाबाद बैंक के मैनेजर साहब जो कठवारा में हैं श्री संजय पटेल जी उनकी ओर से 101 रुपए की धनराशि व्यासपीठ पर हम तीनों के लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। सीता राम चरित अति पावन
सीताराम चरित अति पावन सरस मधुर अरु अति मन भावन सरस मधुर अरु अति मन भावन करी आज की लीला का प्रसंग यहां से प्रारंभ है। बता दूं आपको, कारणवश राम जी का वनवास हो गया। राम जी लक्ष्मण जी सीता जी सहित वनवास में चले आए। राम जी ने चित्रकूट में विश्राम किया। अब चित्रकूट की आगे की लीला यहां से प्रारंभ है। जब से राम जी अयोध्या से आए थे तो जानकी जी ने अपना श्रृंगार नहीं किया था। राम जी ने सोचा कि लाओ आज अपनी सीता का श्रृंगार अपने हाथों से करते हैं। यहां से प्रसंग प्रारंभ है। एक बार चुनी कुसुम सुहाजे निज कर भूषण राम बना बनाए निज कर भूषण